हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं दो बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करूंगा और टेस्ट भी करके बताऊंगा। हमारा पहला प्रोडक्ट है नाइट स्कोप बाइनाकुलर विथ पॉप अप लाइट। आप इसे एक टॉय भी बोल सकते हो या फिर एक गैजेट भी बोल सकते हो। इस तरह का एक बाइनाकुलर मिलता है हमें इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो। इसके सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका प्राइस है 300 रुपीज़। बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर इस बाइनोकुलर को खरीद भी सकते हो। तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है क्रॉस बो सेट। बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट है गाइस, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि गाइस फ्री फायर का कोई टॉय लाने के लिए। तो गाइस, अगर आप फ्री फायर प्लेयर हो या फिर पबजी प्लेयर हो तो आपको पता ही होगा फ्री फायर में इस तरह की एक क्रॉसबो मिलती है और पबजी वाली गेम में भी मिलती है। ये जो क्रॉसबो सेट है मैंने 1 ईयर पहले ऑलरेडी अनबॉक्स किया था गाइस, वहां पे मैंने इसे प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके नहीं बताया था। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और प्रॉपर तरीके से इसको टेस्ट भी करके बताऊंगा गाइस ये क्रॉसबो किस तरह से काम करता है। और देखेंगे गाइस आज की वीडियो में हम ये क्रॉसबो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरह के बॉक्स में मिलता है हमें ये क्रॉसबो। अभी ये क्रॉसबो ऑनलाइन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है गाइस। अगर मिलेगा तो इसका बाय लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाकर इस क्रॉसबो सेट को खरीद भी सकते हो। तो चलो पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूं, बाद में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। देख सकते हो गाइस इतना ज्यादा बड़ा क्रॉसबो है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे लिखा है रियल स्पोर्ट गेम बोलकर। तो चलो इसे रख देते हैं यहाँ पर, पहले अनबॉक्स करेंगे गाइस नाइट स्कोप बाइनोकुलर को। वाओ, गोल्डन कलर वाला है देखने में ये बाइनोकुलर। देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है इसके लेंस। यार लेंस पे बहुत सारे स्क्रैचेस भी आ चुके हैं यहाँ पे, पता नहीं ये कुछ। ओ भाई ये क्या चीज है यार। ओहो, यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है, एलईडी लाइट। तो आपको मैं एक और बार बताता हूँ, जैसे हम इसे टच करते हैं ये इस तरह से ओपन हो जाता है। एक और बार बताता हूँ गाइस, वाओ कमाल है यार। तो इसके अंदर शायद बैटरीज भी डालनी होगी हमें। यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे 2 बैटरीज डालनी होती है। तो बैटरीज भी डाल के मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर लाइट कैसी आती है। ये रहे बैटरीज, पेंसिल टाइप बैटरीज डालनी होती है इसके अंदर। तो भाई बैटरी डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लाइट जलने लगी है और काफी ज्यादा ब्राइट है इसकी लाइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है गाइस ये जो नाम है इसका नाइट स्कोप है, नाइट में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अभी रखते हैं इसे साइड में, अभी मैं आपको अनबॉक्स करके बताऊंगा क्रॉसबो सेट। ये रहा हमारा पूरा सेट गाइस, आप देख सकते हो भाई काफी ज्यादा वजन है ये, बहुत ही जबरदस्त प्लास्टिक से बनाई गई है। तो इसे किस तरह से असेंबल करना है अभी मैं आपको बताऊंगा इस। तो इसके साथ हमें 3 एरोस भी मिलते हैं। ये रहे एरोस, 1 2 3। ये जो एरो है पूरी तरीके से प्लास्टिक के बने हुए हैं और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। इस एरो के अंदर यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल भी शार्प एजेस नहीं दिए गए हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। जब हम इससे फायर करेंगे तो गाइस ये कहीं पर भी जाकर इस तरह से चिपक जाएगा। देख सकते हो इसका सक्शन पावर काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक रहा है और जल्दी से निकलेगा भी नहीं गाइस। देख सकते हो यही निकल चुका है यार, वाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। तो वापस से इसे लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। चलो इसे रखते हैं साइड में, अभी मैं आपको बताऊंगा हमारा क्रॉसबो। यहाँ पे लिखा है किंग स्पोर्ट बोलकर। यहाँ पे है इसका ट्रिगर, यह है इसका सेफ्टी लॉक। अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो ये बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं दबेगा यहाँ से। यहाँ पे एक स्कोप भी लगाया गया है, पर यह स्कोप स्टाइल के लिए गाइस बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है यार। इसके प्लास्टिक की क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हो, काफी तगड़ी प्लास्टिक की क्वालिटी है इसकी। कैमोफ्लेज डिजाइन दिया गया है इसके ऊपर और इस तरह से पकड़ना होता है। मैं इसकी ग्रिप भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इसका स्टैक ग्रिप काफी मस्त है इसकी।
तो चलो दोस्तों अभी मैं इसको पूरी तरीके से असेंबल करके बताता हूँ। यहाँ पर एक होल्डर भी दिया गया है ताकि हम इस तरह से पकड़कर इसके अंदर एरो लोड कर सके। तो किस तरह से लोड करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर जरूर से लाइक भी कर देना। तो चलो इसे फिट करते हैं। इसके साथ हमें दो स्क्रूज भी मिलते हैं। इन स्क्रूज को हमें यहाँ पर टाइट करना होता है। ये रहे गाइस इसके स्क्रूज। तो चलो इसको टाइट कर देते हैं। अभी इसको इस तरह से स्ट्रेट करना होगा फिर हम लगाएंगे इसके अंदर स्क्रूज। यार ये जो काम है बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है गाइस क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रिंग दिया गया है काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो चलो भाई एक स्क्रू तो मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है। अभी ये जो है और ज़्यादा टाइट हो जाएगा इस तरफ से तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी अभी इसे टाइट करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो दोनों स्क्रूज को मैंने यहाँ पे कस दिया है। भाई काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है यार। बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये क्रॉसबो। तो अभी देख सकते हो गाइस हमारी क्रॉसबो किस तरह की दिखाई दे रही है। दिख रही ना एकदम कमाल धमाल। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर इसे टेस्ट करने के लिए। देखते हैं इसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है और इसकी एक्यूरेसी कितनी है ये भी टेस्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरह से लोड करना है। इसे लोड करना भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है। तो ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है ना गाइस इसे इस तरह से पुल करना है और यहाँ पे स्ट्रिंग है ना आकर लॉक हो जाता है। उसके बाद हम लेंगे ये एरो को यहाँ पर डालेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से पुश करेंगे। देख सकते हो अभी लोड हो चुकी है हमारी क्रॉस बो। तो ये जो हैंडल दिख रहा है गाइस इसे इस तरह से पकड़ना होगा और अभी देखना गाइस मैं सीधा अभी थानोस के ऊपर टेस्ट करने वाला हूं इसे। देखते हैं थानोस नीचे गिरता है कि नहीं। भाई सिंगल शॉट में थानोस हो चुका है नीचे ढेर। इतनी ज्यादा पावर है इसके अंदर। दोस्तों देख रहे हो कितनी ज्यादा पावरफुल है यह क्रॉसबो। दोस्तों आपको मैं एक और बार ये क्रॉसबो टेस्ट करके बताऊंगा। वहाँ पे सामने आप देख सकते हो थानोस को मैंने एक हेलमेट भी पहना दिया है। देखते हैं अभी थानोस नीचे गिरता है कि नहीं। भाई गिर गया यार। अभी इसकी एमिंग टेस्ट करते हैं गाइस। देख रहे हो गाइस कितनी ज्यादा एक्यूरेट है ये। एकदम कमाल की है यार। दोस्तों अभी मैं इस बाइनोकुलर को टेस्ट करने के लिए आया हूँ। सामने वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना गाइस मेरे घर से काफी ज्यादा दूर है तो इस बाइनोकुलर से वहां पे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यार इसके जो है ना दो लेंसेस है यहाँ पर तो शायद मैं मेरे कैमरे से सही से आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो मैं जो देख रहा हूँ गाइस बहुत ही प्रॉपर तरीके से काफी अच्छा व्यू नजर आ रहा है इस बाइनोकुलर्स के अंदर से। तो एक लेंस के अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देख रहे हो गाइस हम जब एक लेंस के अंदर से देख रहे हैं तो काफी ज्यादा इमेज है ब्लर नजर आ रही है। अगर हम दो में से देखेंगे तो काफी क्लियर नजर आ रहा है मुझे यहां से। ओवरऑल गाइस ठीक ठाक सा ही बाइनाकुलर है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने इसका।
गाइस दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैंने कर लिया है टेस्ट। ये जो प्रोडक्ट है ना गाइस एकदम गजब का लगा मुझे और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी टूटने वाला प्रोडक्ट नहीं है गाइस। खास करके इसकी जो स्ट्रिंग है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी है। आमतौर पर जो क्रॉसबो होते हैं उनके स्ट्रिंग्स काफ़ी जल्दी टूट जाते हैं, पर इसका जो स्ट्रिंग है बहुत ही मजबूत है, नाइलॉन के थ्रेड से बनाया गया है इसका स्ट्रिंग। इसमें एक छोटी सी दिक्कत है गाइस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसे इस तरह से लोड करते हो तो सिंगल हैंड से आप इसे बिल्कुल भी लोड नहीं कर पाओगे, आपको दोनों हाथ यूज़ करने होते हैं इसे लोड करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा ताकत भी लगानी पड़ती है इसे लोड करने के लिए। बस ये एक ही प्रॉब्लम लगी गाइस मुझे इस क्रॉसबो के अंदर। ओवरऑल बहुत ही अच्छा क्रॉसबो है, अगर ऑनलाइन में मिलता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर चाहे तो आप इसे खरीद भी सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर मेटल वाले पाइप्स भी लगाए गए हैं ताकि ये बेंड वगैरह ना हो पाए। तो चलो दोस्तों अभी इन एरोस की बात कर लेते हैं। एरोस की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल एरोस है, बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं है। तो अभी गाइस ये जो बाइनाकुलर है मुझे ठीक ठाक सा ही लगा, पर सामने देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, और इसका जो ये वाला स्टाइल है ना यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे लाइट जो है हम इसे नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों कल मैंने एक DSLV Mark II DIY रॉकेट की अनबॉक्सिंग की थी, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर से देख लेना, बड़ी ही कमाल की रॉकेट थी। यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है सुनील कपूर, श्रीकांत भटकर, कृष्णा, रवि किशन, मोहन भगत, सरोज महबूब, अध्ययन गांगुली, अमोघ, अनंतो घोषाल, नमन डेका। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी अच्छे से कमेंट करेंगे इस वीडियो पर लाइक करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।